उधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार के टीकाकरण उत्सव पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कोरोना से इतने लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में टीकाकरण उत्सव मनाने की क्या जरूरत है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर देश भर में टीकाकरण उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान 11 से 14 अप्रैल तक चलेगा। रविवार को बिहार में भी इसकी शुरुआत की गई। सरकार किस आधार पर कोरोना टीका को लेकर के टीका उत्सव मना रही है, जब लोगों की कोरोना से जान जा रही है और सफलता पर कोई उत्सव मनाता है, ये पहली बार देखा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये टीकाकरण का उत्सव मना रही है, जब लोगों की जान जा रही है कोरोना से, मौत पर कोई उत्सव मना रहा है। पीएमसीएच में जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। कहीं कोई कोविड हॉस्पिटल है नहीं, लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं। जमशेदपुर के पुटका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत कमेटियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पुटका विधायक संजीव सरदार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में कोरोना से बचाव और लोगों को जागरूक करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस दौरान कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिया गया कि वे गांव में रहने वाले लोगों को जागरूक करें। इस मौके पर 34 पंचायतों के पंचायत कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विश्व में, देश में और हमारे राज्य में जो कोविड-19 कोरोना बीमारी को लेके पुनः हमारा क्षेत्र में पार पसा रहा, उसके लेके हम लोग आज हमारे जो संगठन के मुख्य रूप से नेता लोग के साथ ही विचार विमर्श किए, कैसे हमारे लोगों को इसका जानकारी दे, सजग रहने के लिए बताए, इसके लिए आज हम लोग